किसी का सपना पूरा करना गुनाह है तो जेठालाल गुनाहगार है। किसी को खुशी देना अगर गुनाह है तो जेठालाल गुनाहगार है। आप लोग खुद अपने दिल पे हाथ रख के पूछिए कि क्या आपको जेठालाल गुनाहगार लगता है? लेकिन मैं दादा जेठालाल की वजह से बबीता का कितना बदनामी हुआ है ये मालूम है तुमको? नहीं जेठा जी, भले ही आपने ये मेरी अच्छाई के लिए किया हो पर आपने ये सही नहीं किया है। आपको मुझसे एक बार पूछ लेना चाहिए था। आज आपके वजह से जिस चीज से मुझे सबसे ज्यादा नफरत है मेरा नाम उस चीज के साथ जुड़ गया। ये सही नहीं था जेठा जी। रीटा के साथ कौन आया है? मैंने क्या पता यार। मैं आप सब गोकुल धाम निवासियों के लिए गुड न्यूज लेकर आई हूँ। गुड न्यूज? गुड न्यूज। इनसे मिलिए, ये है मिस्टर छेदीलाल झटका। नमस्कार। अच्छा। जी हाँ, इन्हीं की कंपनी है जो झटका पान मसाला बनाती है। ये यहाँ क्यों आया है? हाँ। आप सबको थैंक यू कहने के लिए। हमारे इंटरव्यू का इन पर बहुत ही पॉजिटिव असर हुआ है। हमारी ही तरह कई और लोगों ने भी इनके झटका पान मसाला का विरोध किया है। आपकी विरोध की वजह से मेरी आंखें खुल गई हैं। मुझे एहसास हो गया जो हानिकारक पान मसाला देश और समाज को नुकसान पहुंचाता है उसका उत्पादन बंद कर देना चाहिए। मैंने झटका पान मसाला बनाना ही बंद कर दिया है। क्या? थैंक यू। ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ। ये आपने बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है। जी हाँ, और इसी के साथ साथ इन्होंने अपने सारे एड्स वापस खींच लिए। बबीता। Really? Very good. Oh, oh, oh. हाँ बबीता जी, आपकी तस्वीर वाले सारे होर्डिंग्स इन्होंने हटा दिए। अरे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू रीटा, तुम्हें भी थैंक यू। हाँ रीटा, थैंक यू सो मच। जेठालाल ने जो गलती की उसकी वजह से सब कुछ इतना बढ़िया हो गया। अब बताइए बबीता जी, अय्यर साहब आपका क्या कहना है? एक्चुअली अच्छा ही हुआ कि जेठा जी ने मेरी तस्वीर यहाँ पे दे दी। ये तो कोई और मॉडल पैसे लेके यही ऐड करती और फिर ना कोई विरोध होता, ना इसे बनाने वाले की आंखें खुलती और इसका उत्पादन भी बंद नहीं होता। बरोबर। और फिर यही चीजें हमारे देश और समाज को नुकसान पहुंचाती रहती। सही बात है। तो जेठा जी, अच्छे हुआ कि आपने मेरी तस्वीर दे दी यहाँ पे। देख जेठा, तुझसे गलती तो हुई है लेकिन तेरा उद्देश्य अच्छा था इसलिए तेरी गलती से अच्छा काम हो गया। बापू जी, तूने तो गड़ा खानदान का नाम ऊंचा कर दिया जी। बापू जी। अरे अरे,
होता है होता है। जेठालाल तुम तो विलन बनते बनते हीरो बन गए। हीरो। जेठा भाई आपकी गलती से अच्छा नहीं बहुत अच्छा काम हो गया। हाँ। जेठा जी आई एम रियली सॉरी, आप सच में मेरे वेल विशर हो, मुझे माफ करना, मैंने आपको गलत समझा और पता नहीं गुस्से में मैंने आपको कितना कुछ ऐसे कह दिया, आई एम रियली सॉरी जेठा जी। नहीं नहीं बबीता जी, आपका गुस्सा एकदम जायज था। मुझे सरप्राइज देने के चक्कर में आप खुद ही फंस गए। और जेठालाल तुम भी टेंशन में आ गए और हम भी टेंशन में आ गए। वन सेकंड जेठा जी, आई एम वेरी सॉरी। अरे आप सॉरी मत बोलिए प्लीज। थैंक यू सो मच अगेन। थैंक यू जेठालाल। समझ में नहीं आए कि बबीता जी के होर्डिंग पे कलर किसने लगाया। वो मैंने ही लगवाया था ताकि पान मसाले की जाहिरात में कोई बबीता जी का चेहरा देख ना ले, इसलिए वो आइडिया भी मेरा ही था। देखा। अरे अरे क्या बात है, स्मार्ट मूव। चलिए चालू जी, पांडे जी चलिए। कहाँ चलिए, किधर चलिए? ये गोकुल धाम में हमेशा यही होता है, पहले कोई गुनाह होता है, फिर आप लोग कंप्लेंट करते हो और गुनेगार को खुद पकड़कर मुझे बेकार में यहाँ बुलाते हो। ये हर बार का क्या नाटक है आप लोगों का? हाँ, क्यों करते हो ऐसा मेरे साथ? मैं तंग आ गया हूँ आप लोगों के इस रवैये से। सॉरी सॉरी पांडे जी। प्लीज देखिए आप नाराज मत होइए, आप मुझे और मेहता सबको गिरफ्तार कर लीजिए ना। कीजिए। किस जुर्म में गिरफ्तार करूं? हाँ, किस जुर्म में गिरफ्तार करूं? अरे पगले, तुम्हारी वजह से समाज और सेहत के लिए हानिकारक पान मसाला की फैक्ट्री बंद हो गई है। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? वही तो मैं कह रही हूँ। ये चालू पांडे गुनेगार को डंडे मारता है, ईमानदार और अच्छे इंसान को नहीं मारता। जो हुआ उससे मैं नाराज नहीं हूँ, खुश हूँ, क्योंकि पुलिस का काम भी तो समाज की सेवा करना है ना। आप लोगों की सोसाइटी में जितना प्यार और भाईचारा है, उतना ही समाज के हर सोसाइटी में प्यार और भाईचारा हो जाए ना, तो ये पुलिस डिपार्टमेंट ही बंद हो जाए। वो त्याग करने के लिए भी इंस्पेक्टर चालू पांडे तैयार है, लेकिन शर्त यह है कि इस देश के हर समाज सोसाइटी में वैसे ही प्यार और भाईचारा बना रहना चाहिए। काश ऐसा ही प्यार और भाईचारा पूरे देश में हो जाए। अब मैं चलता हूं, नेक्स्ट टाइम किसी को भी सरप्राइज देने से पहले उसे जरूर बता देना। प्लीज। जरूर जरूर, बिल्कुल बिल्कुल। Come on, move. Okay, thank you. Okay, पांडे जी, thank you very much. कोई बात नहीं जेठिया, अब जो हुआ सो हुआ, अंत भला तो सब भला। मैं क्या कहती हूँ, इतनी अच्छी बात हुई है और सब लोग अर्ध गोलाकार में भी खड़े हैं, तो गरबा हो जाए।
दे। भाई खड़ी क्यों हो, बैठो बैठो, आज तो बड़ी खुशी का दिन है। हाँ हाँ खुशी का दिन तो है ही, साथ में सजा देने का भी दिन है। सजा देने का दिन? सजा किसे? आपको। मुझे? मुझे क्यों भाई, मैंने क्या किया? धोखा दिया आपने, मुझे धोखा दिया तारक। जेठा भाई के साथ जितनी भी बार आप बाहर गए, मुझसे झूठ बोल के बाहर गए, बहाने बना के मुझे उल्लू बना के बाहर गए ना, कभी कुत्ते का बहाना तो कभी जॉगिंग का बहाना, दिया ना धोखा। भाई कौन धोखा देना चाहता है, लेकिन क्या है कि जेठालाल को बबीता जी को सरप्राइज देना था, बस इसीलिए नहीं बताया। पर तारक आपको मुझ पे भरोसा नहीं था कि मैं आपका राज राजी रखूंगी। याद कीजिए तारक, शादी के वक्त आपने क्या क्या कस्में खाई थी। हम हमेशा एक दूसरे को हर बात सच सच बताएंगे, कभी जिंदगी में एक दूसरे से कोई भी बात नहीं छुपाएंगे। हाँ भाई कसम खाई थी अंजलि, और तुम पे भरोसा भी है। फिर क्या हुआ, कहाँ गया वो भरोसा? आपको पता है तारक, आपने मुझे ये बात अगर पहले बता दी होती तो बात इतनी शायद नहीं बढ़ती। अरे बात बढ़ने की बात नहीं अंजलि भाई, एक तरफ तुम्हारे प्यार की कसम, दूसरी तरफ जेठालाल ने दोस्ती की कसम दिला दी, तो मैं क्या करता, मैं फंस गया। बस बबीता जी को सरप्राइज देना था, वो खुश हो, बस इसी चक्कर में नहीं बताया। अच्छा तो आज ये भी बता दीजिए कि अब तक जिंदगी में आपने कौन कौन सी बात मुझसे छुपाई और क्या क्या झूठ बोले हैं। अरे नहीं बिल्कुल नहीं अंजलि, ये तो दोस्ती की खातिर बोल दिया, बाकी मैं झूठ कभी नहीं बोलता हूँ, झूठ से सख्त नफरत है मुझे। बस तारक आप भी मेरी बात क्लियर कट सुन लीजिए, आज के बाद जिंदगी में कभी भी आपने मुझसे झूठ बोला या छोटी से छोटी बात भी छुपाई ना, तो मैं मायके चली जाऊंगी। कितने दिन के लिए? हाँ नहीं बाबा, नहीं मेरे कहने का मतलब अंजलि तुम मायके चली जाओगी तो मैं कैसे रहूंगा, तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता। अंजलि देखो मैंने सिर्फ दोस्ती की खातिर झूठ बोल दिया, वरना मैं कभी झूठ नहीं बोलता, तुम्हारे सामने बोल ही नहीं सकता, सिर्फ दोस्ती की खातिर। पक्का? हाँ हाँ। कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे? लिख के दूं? नहीं नहीं ऐसे लिख के देने की कोई जरूरत नहीं है, उतना तो भरोसा है मुझे अपने पति पे। वैसे एक बात कहूं तारक, जब आप यूं सच बोलते हैं और मुझसे कोई बात नहीं छुपाते ना, तो बड़े स्वीट लगते हैं, बड़े क्यूट लगते हैं। और दूसरी एक बात कहूं, मैं बहुत खुश हूं आपसे, आपने अपने दोस्त को इस मुश्किल घड़ी में साथ देके अपनी दोस्ती को एक अलग ऊंचाई दे दी, एक अलग ऊंचा दर्जा दे दिया। दोस्ती आसान नहीं होती अंजलि, और जब दोस्ती कर ली जाए तो हर मुश्किल आसान भी हो जाती है। दोस्ती करना बड़ा मुश्किल है, और कर ली जाए तो निभाना बहुत मुश्किल है, फिर भले ही लोहे के चने क्यों ना चबाने पड़े। हाँ वैसे ही जेठा भाई मेरे पति को फायर ब्रिगेड थोड़ी ना कहते हैं। और तारक आपकी इस अनोखी दोस्ती के खातिर ही मैंने आज आपको माफ किया, क्योंकि मैं आज आपसे बहुत खुश हूँ। भाई खुश तो होना ही चाहिए, आज तो चार चार खुशियाँ मिली है। चार चार खुशी की बात? हाँ। कौन सी? पहली खुशी, उस हानिकारक पान मसाले का प्रोडक्शन बंद हो गया, बहुत अच्छा हुआ। दूसरी खुशी, बबीता जी खुश हो गई। तीसरी खुशी, जेठालाल खुश। और तारक चौथी खुशी, अरे भाई मेरा दोस्त खुश तो मैं भी खुश। हाँ बात तो सच है, वहाँ जेठा भाई खुश, यहाँ आप खुश तो मैं भी खुश। दुख भरे दिन बीतेरे भैया, अब सुख आयो रे, रंग जीवन में नया लायो रे। ए भाई पूछिया आप, तूने फिर से अकेले अकेले नाचना गाना शुरू कर दिया, कहीं फिर से किसी को सरप्राइज देने की तूने सोच रहे ना? नहीं नहीं ये तो बापूजी आपके आशीर्वाद से सब टेंशन दूर हो गया, उसकी खुशी में जा रहा। ऐसे सच कहूं बापूजी, ये जो कुछ भी हुआ उसमें सबसे ज्यादा डर मुझे आपका ही लग रहा था। मेरा? तो मुझसे क्यों डर रहा था भाई? नहीं मतलब ये होल्डिंग का जो भी कांड हुआ उसके पीछे मेरा हाथ है, ऐसा अगर आपको पता चलता तो पता नहीं आप मेरा क्या हाल करते। अरे क्या हाल करते क्या जेठिया, अगर तू सच में कसूरवार होता है तो तेरा कान पकड़कर घर से बाहर निकाल देता। वही वही मुझे डर था बापूजी। ये तो अच्छा है जेठिया, इस बार भगवान की कृपा से तू बच गया, लेकिन अगली बार से ध्यान रखना किसी को खुशी देने के चक्कर में कुछ गलत ना हो जाए। नहीं नहीं बापूजी नहीं। चलो अभी टेंशन मत ले, जो हुआ उसे भूल जा और शांति से सो जा। हाँ बापूजी पिछले दो दिन से सब टेंशन की वजह से ठीक से सो नहीं पाया हूँ, आज है चैन की नींद सोऊंगा। आ गया भाई आ गया, पूरा दिन भागम भाग करने के बाद इंसान को बेडरूम में तो आना ही पड़ता है, क्योंकि यही जगह है जहाँ उसको शांति मिलती है। मैं फिर दो दिन से भागम भाग कर रहा हूँ,
आज इन्हें चैन की नींद सोऊंगा। रुकिए, अभी आप नहीं सो सकते। क्यों? मुझे आपसे कुछ खास बात करनी है। अरे बाप रे, अभी ये क्या नया टेंशन है? क्या मतलब, क्या खास बात करनी है? वो बबीता जी का मोल्डिंग का सपना देखकर मेरी भी इच्छा जगी है कि मैं भी मोल्डिंग करूं। अरे भाई, एक टेंशन अभी खत्म नहीं हुआ, दूसरा कहां शुरू कर रही है दया? क्या टेंशन क्या है इसमें? अरे रहने देना भाई, जिसका काम उसी को साजे, दूजा करे तो ठेंगा बाजे। मतलब आप कहना क्या चाहते हैं? अगर मैं मोल्डिंग करूंगी तो ठेंगा बाजेगा? अरे नहीं, मैंने उम्दाद का पानी पिया है। देखिए मैं कैसे मोल्डिंग करती हूँ, देखिए मेरी अदा। जबरदस्त, वाह मजा आ गया, वाह। तो अब कहिए क्या कमी है मुझ में? अरे तुझ में नहीं है कोई कमी, इसीलिए तो तू मुझे गमी। गमी? मतलब पसंद आई। तो बताइए कब मेरा ये सपना पूरा कर रहे हैं? तू जब बोले तब। तू कहे तो कल के कल मैं तेरे फोटो लेके सब बड़ी बड़ी कंपनी में पहुंच जाऊं। तू कहे तो चंकी को कल के कल बोल देता हूँ कि भाई तेरे बढ़िया से बढ़िया फोटो खींचे, और वो जो भी बड़ी बड़ी कंपनी को जानता हो, जो जाहिरात बनाते हो, वहाँ तेरे फोटो भेज दे। सच? टप्पू के पापा मेरा सपना पूरा करने के लिए इतना सब करेंगे? आज तो बड़ी, अरे तू मेरा पहला प्यार है दया, तू मेरी अर्धांगिनी है, और तेरा सपना पूरा करना मतलब मेरा सपना पूरा करने के बराबर ही है ना? तू बस आवाज कर, तेरा सपना पूरा करने के लिए मैं जी जान लगा दूंगा। बस बस, मुझे यही सुनना था, मुझे कोई मॉडलिंग वॉडलिंग नहीं करना है, मैं तो आपके साथ मस्ती कर रही थी। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मुझे आपके जैसे पति देव मिले। नहीं नहीं दया, भगवान का करोड़ों करोड़ों शुक्र है कि मुझे तेरे जैसी पत्नी मिली। जब सब मेरे खिलाफ थे तो एक तू ही थी जिसने मेरा साथ दिया। आपका साथ तो दूंगी ही ना, आप मेरे पतिदेव हैं, आपके हर सुख दुख में साथ देना मेरा धर्म है। चल अब सो जाए। चलिए सो जाते हैं, 5 बजे उठना भी है। 5 बजे? क्यों, कल क्या है? कुछ नहीं है। तो फिर 5 बजे क्यों उठना है? क्योंकि मैं रोज 5 बजे उठती हूँ ना, मैं मेरी बात कर रही हूँ। आप तो आराम से सोते रहना। तो ठीक, थैंक यू। अरे चलो, कहाँ जा रही है? सोने। हाँ मैं बोला चलो मतलब कोई वापस बाहर जा रही है क्या? सावरी ओरे मरो सावरी ओ, तो मोल्डिंग मांगूने गई थे डरियो, तो मोल्डिंग मांगूने। बस सो जा, यू हैव गुड नाइट। भाई ये कहावत आपने हजारों बार सुनी होगी, लेकिन आज बिल्कुल मुफीद है ये कहना कि अंत भला तो सब भला, अंत में सब कुछ ठीक ठाक हो गया। भाई बबीता जी को खुशी देना चाहते थे जेठालाल, और खुशी आकर बबीता जी को मिली भी, सरप्राइज देना चाहते, लेकिन मेरे ख्याल से अब जेठालाल किसी को सरप्राइज नहीं देंगे। वैसे सरप्राइज देना चाहिए, जिंदगी में सरप्राइज देने से खुशी दुगनी हो जाती है, अनोखी खुशी मिलती है। वैसे इस कहानी में एक चीज तो बहुत बढ़िया हुई कि हानिकारक पान मसाला बनाने वाले ने पान मसाला बनाना बंद कर दिया। भाई इससे बेहतर क्या हो सकता है? वैसे हर आदमी अपनी मर्जी का मालिक है, लेकिन हम तो यही कहते हैं कि हानिकारक है, इसे नहीं खाना चाहिए। ये भागदौड़ तो खत्म हुई, लेकिन यहाँ अभी दौड़ना भागना जारी रहेगा। किसी नए हंगामे के साथ मिलेंगे और कहेंगे देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए हंसते। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।